जीवन के दो पहलू होते हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। और आपने अक्सर सुना होगा कि मृत्यु सबके साथ निष्पक्ष रहती है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, गांव का हो, शहर का हो या फिर किसी भी धर्म का हो, मृत्यु समान रूप से सबका काल बनती है। किसी को कभी कोई डिस्काउंट नहीं देती, मृत्यु पर कोई सिफारिश नहीं चलती और मृत्यु को आप रिश्वत भी नहीं दे सकते, यानी मृत्यु हमेशा समय पर पहुंचती है, कभी देर से नहीं आती। लेकिन जो जीवन है वो हमेशा पक्षपात करता है और ये पक्षपात जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जन्म ही आपको अमीर और गरीब बनाता है, क्योंकि कैसे परिवार में आप जन्म लेते हैं आपका आगे का जीवन उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जन्म से ही आपको जाति और धर्म में भी बांट दिया जाता है। लेकिन परिश्रमी लोग जन्म के साथ हुई इस नाइंसाफी को अक्सर जीत लेते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी की कहानी बताएंगे जिसके साथ जीवन ने नाइंसाफी तो बहुत की, लेकिन आज ये खिलाड़ी अपनी मेहनत के बल पर भारत की हॉकी टीम का स्टार प्लेयर बन चुका है। भारत की टीम का एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने इस मंच पर चमकने के लिए अपने अंधेरे को हराया है, और इस खिलाड़ी का नाम है नीलम संजीव सेस, और ये खिलाड़ी सिर्फ 25 साल का है। नीलम भारत की हॉकी टीम के स्टार डिफेंडर हैं और वो इस समय हॉकी के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जो खिलाड़ी हॉकी के वर्ल्ड कप में भारत के लिए भारत का नेतृत्व कर रहा हो, उस खिलाड़ी का परिवार आज भी एक छोटे से मकान में रहता है जिसकी दीवारें और छत भी मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। नीलम संजीव का परिवार उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव में रहता है, और जब उन्होंने हॉकी खेलनी शुरू की तब उनके सामने परिवार की गरीबी सबसे बड़ी चुनौती थी, और खुद उनके माता पिता शुरुआत में उनके हॉकी खेलने के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गरीबी उनके बेटे को कभी बड़ा नहीं बनने देगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब उन्हें यह लगा कि उनका बेटा इस खेल में वाकई कुछ ऐसा कर रहा है जो बाकियों से बेहतर है, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। नीलम संजीव के साथ अक्सर ऐसा होता था जब ट्रेनिंग के दौरान उनकी हॉकी स्टिक टूट जाती थी, और उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उनके लिए नई हॉकी स्टिक खरीद सके। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब हॉकी स्टिक खरीदने के लिए उनके माता पिता को अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा, और इन्हीं संघर्षों ने आज नीलम संजीव को यहां तक पहुंचाया है कि वो भारत के लिए हॉकी का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स से इंटरनेशनल हॉकी में अपना डेब्यू किया था, और इसके बाद वर्ष 2021 की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और फिर 2022 के एशिया कप में उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस बार वो भारत को वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि इस खिलाड़ी के पास गरीबी और इस कच्चे मकान के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने सफलता का एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे आज आप एक बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं, और वो ये कि सफल होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितना पैसा है, और आपका जन्म कितने अमीर या समृद्ध परिवार में हुआ है, आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, बल्कि सफलता के लिए ये मायने रखता है कि आपका सपना कितना बड़ा है और उस सपने को पूरा करने के लिए आपने दिन रात कितना परिश्रम किया है। इस तस्वीर से आज हमारे देश के लोग ये प्रेरणा ले सकते हैं जिसमें एक तरफ वो मेडल, पुरस्कार और ट्रॉफीज रखी हैं जो इस खिलाड़ी ने देश के लिए जीती हैं, और दूसरी तरफ वो छोटा सा दिया रखा है, डिबिया इसको कहते हैं, जिसके प्रकाश में उन्होंने ये सपना देखा और उसे पूरा किया। ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, देखिए सामने उनके पुरस्कार रखे हैं, और गांव में ये जो आप छोटी सी डिबिया देख रहे हैं, भारत के गांव में इसे ये एक छोटी डिबिया होती है जिसमें तेल भरा जाता है, और तेल के साथ एक आप समझ लीजिए एक दिया लगा दिया जाता है, एक बत्ती लगा दी जाती है, और फिर इसी से रोशनी होती है। इसका इस्तेमाल ऐसे घरों में किया जाता है जहां पर बिजली नहीं होती, जहां पर बल्ब की सुविधा नहीं होती, ऐसे गांव जहां पर बिजली आज तक नहीं पहुंची है। तो ये संघर्षों की कहानी तस्वीर आपको दिखा रही है, और इसीलिए हमने आपको शुरुआत में कहा आज अगर आपके परिवार में कुछ युवा हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें आज की ये तस्वीर जरूर दिखाइए। हमारे देश में अक्सर एक कहावत कही जाती है,
कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस खिलाड़ी की कहानी को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि परिश्रम के बिना भी कुछ नहीं हो सकता और परिश्रम से बड़ी पूंजी कोई और है नहीं। कुमार कविंद्र की टीम खेल में बहुत खुशी और गर्वित अच्छे देश बहुत देश लोक मान भी बहुत गर्वित अच्छा। भगवान को आशीर्वाद से ऊपर उठी से भी बहुत गर्वित अच्छा। खुश लगा थे बढ़िया खुश लगा थे और सबको खुशी होता तुम्हारे मन होने अब अच्छा है तुम्हारे खुशी लगा थे कि नहीं कहा था खुश लगा थे कहा थी हमें जिन्होंने कहा।